audio even made for you to yet. हे गाइस वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आपको पता ही है जैसे कि 21 को है शिवरात्रि, महाकाल का दिन। सो उस दिन बहुत सारे पकवान से बनते हैं, हमारे यहाँ उसे शाकड़ियाँ बोलते हैं। सो अभी हम वो बना रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं कैसे बनती है, क्या होता है, वो बने रहिए ब्लॉग में। शाकड़ी ना लाइट जला दे, इसको हम शिवरात्रि के दिन गाएंगे। चलो मम्मी डिटेल दो अब इसकी, क्या बना रहे हैं, कैसे कैसे बनता है, जल्दी बताओ। ये हमने 2 किलो मैदा लिया हुआ है और उसके अंदर हमने पानी डाला। पानी कितना डाला आपने, अब बताओ रेसिपी दो। रेसिपी दो फटाफट, जल्दी जल्दी पानी डाल दे जितना भी, मतलब बना देना। हाँ। और फिर उसको इतना पतला करना है कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल सा हो जाए। दिखाते हैं हम आपको, कैमरा बिल्कुल ये इतना पतला होना चाहिए। ओके बिल्कुल बिल्कुल पतला, और इसको मतलब घोलते रहना है, जितने बार बनाएंगे उतने बार पानी डालना है। ओ बाबा, ये हमारे प्रोफेशनल बंदे अनप्रोफेशनल काम करते हुए। Into the mouth. ओए, रेसिपी दे संजू भाई। हाँ जी संजू भाई, इधर देखो संजू भाई, इधर देखो यार। तो गाइस ये हो जो बाहर हम तवे पे बना रहे थे, इनको पतले पतले मैदा होता है, इनको घोल के बिल्कुल पतले चपाती टाइप में रख लेते हैं सूखने के लिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए। उसके बाद सूख जाती है और शिवरात्रि के दिन इन्हें तेल में तला जाता है और यम बनती है एकदम। ये बिल्कुल पतली होती है, देख सकते हैं आप। सो गाइस कैसा लगा आप सबको ब्लॉग, बताना कमेंट करके ज़रूर, अच्छा लगा चाहे गंदा लगा। और डिस्क्रिप्शन में है मेरी इंस्टा का लिंक, जाओ फॉलो करो अपने भाई को, वहाँ भी छोटे मोटे अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। और हाँ, बहुत जल्द गिव अवे होने वाला है चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बहुत जल्द मैं गिव अवे की एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसकी आ जाएगी चैनल पर बहुत जल्द। तो गाइस तब तक आपको क्या करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और दबाना है बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड